पाकिस्तान से जीत कर भी रोहित है नाखुश। इन चार बल्लेबाजों ने दी बड़ी टेंशन। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और आखिरकार कौन से हैं ये चार खिलाड़ी जिससे यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा टेंशन में आ चुके हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं रोहित शर्मा और टीम इंडिया के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट के, दरअसल कल यहाँ पे बताया कि भैया T20 वर्ल्ड कप 2024 का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। जी हाँ, दरअसल इस मुकाबले में जहाँ पे एक समय में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबला हार जाएगी क्योंकि टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप चली गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जब टीम इंडिया की गेंदबाजी आई थी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इस मैच को बचाया और पाकिस्तान की टीम को भी हराया और टीम इंडिया ये मुकाबला 6 रनों से जीत गई थी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे मैच जीतने के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा की टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को और भी बड़े बड़े मैचेस खेलने हैं और टीम इंडिया के 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए एक बार जानते हैं आखिरकार कौन से वो 4 बड़े बल्लेबाज जो यहाँ पे फ्लॉप तो दिखा रहे हैं। दरअसल अगर पहले बात करें यहाँ पे पहले बड़े खिलाड़ी की तो वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के किंग और चेस मास्टर विराट कोहली हैं। जी हाँ, विराट कोहली भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास कमाल की बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, भले ही वो ओपनिंग करने आए थे लेकिन ऐसे में ये भी यहाँ पे दिग्गज को कहना है कि आपको विराट कोहली को ओपनिंग नहीं बल्कि नंबर 3 पे उतारना चाहिए। तो ये बात से कप्तान रोहित शर्मा भी अब आपको बता दे कि उन्होंने मंजूरी दे दी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब अगले मैच में कप्तान रोहित शर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। लेकिन इसी के साथ अगले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भी इस मैच में फ्लॉप हो गए। जी हाँ, सूर्य कुमार का यूं कहें कि बड़े मैच में लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं और ऐसे में एक बार फिर सूर्य कुमार की बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी और इसी वजह से यहाँ पे अब सोचने को लग रहा है कि यहाँ पे बड़े मैच में सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस कर सकती है टीम इंडिया। इसी के साथ दूसरे खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे। जी हाँ, माना जा रहा है कि शिवम दुबे भी यहाँ पे फ्लॉप रहे थे पूरे 2 मैचों में और ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को मौका मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तौर पर रविंद्र जडेजा का भी फ्लॉप शो देखने को मिला था। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले मैच में इन 4 खिलाड़ियों को मौका मिलता है या फिर नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।